अनुज आराम से। चलो चलो आ जाओ। एक सेकंड। हाँ बैठो। हाँ यहाँ पे बैठो। ओके तो बैठो मैं आती हूँ। आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ बहुत गर्मी होगी। एसी लगा दिया मैंने तुम्हारे लिए। आ जाओ। नहीं मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं, ठीक नहीं। अब से तुम्हारे लिए बस सब कुछ बेस्ट ही होगा। बेस्ट ठीक नहीं, ठीक क्यों? हाँ तो फिर ये समझ लो कि यही मेरे लिए बेस्ट है। घरे भी तुम खुश हो ना? बिन बोले सब जानता है, दिल को दिल से बांधता है। तो मैं तुम्हें वो खुश के बाद होता है ना वो बहुत खुश, मैं तुम्हें बहुत खुश करने की पूरी कोशिश करूं। मैं तुम्हें बहुत खुश करूं। ठीक है क्या होता है? बहुत खुश करना है। मेरा सर घूम रहा है। सर घूम रहा है? हाँ थोड़ा सा खा लो फिर सो जाना। नहीं 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 मुझे नहीं खाना है। अनुज देख नहीं खाना नहीं है। अच्छा उठो उठो यहाँ से। हाँ? अंदर अंदर चल के सो। तुम खाना खा लो। हाँ मैं खा लूंगी उठो तो। रखा है खा लो। हाँ मैं खा लूंगी तुम उठो। पर गौरी मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। हाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें मुझे बहुत 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 खुश रखना है। मुझे बहुत खुश रखना है तुम्हें। बहुत खुश गौरवी। गौरी खुश रखूंगा तुम्हें। बस तुम मेरा साथ देना। नहीं प्रॉमिस करो लोग यहाँ साथ। मुझे बहुत बहुत प्रॉमिस। गौरवी कल रात को मैंने लोगों के सामने ज्यादा तो नहीं बोला ना? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हल्का फुल्का याद है मुझे ज्यादा पी ली थी ना। हाँ एम्बैरेसिंग यार इंडस्ट्री के सारे लोग वहाँ थे। मुझे पीना नहीं चाहिए था। नहीं सर में दर्द है। हाँ थोड़ा सा है। तो दवाई दे दो। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा वो कार वहीं पे है। हाँ मैं जाते हुए ले लूंगा। अच्छा हम लोग घर कैसे आए वापस? मुझे तो याद ही नहीं है। अच्छा सुनो आज रात को बीच चले? नहीं नहीं आज नहीं यार आज शेड्यूल बहुत टाइट है। हेलो अरे कहाँ आप सुबह फोन करने वाले थे ना फिर? अरे तो कितना इंतजार करना आप एक घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ अभी आप कितने बजे पहुंच रहे हो? अनुज नाश्ता भी नहीं किया। अनुज अनुज ठीक है पहुंचो आप जल्दी। अनुज बहुत लेट मत करना प्लीज। अनुज मतलब लेट ही मत करना। अनुज चलो चलो ठीक है। शिट नो 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 जीजू ने सारे टैप पे ऑफ कर दिए। अब हम अपनी वेडिंग की प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। लेकिन अस्मी शादी के लिए पैसों का वेट करने की जरूरत नहीं थी। आई नो कि तुम सब मैनेज कर लेते बट अगर लाइफ 50-50 शेयर करने का डिसाइड किया है मिस्टर तो एक्सपेंसेस भी 50-50 शेयर कर सकती हूँ ना एटलीस्ट वेडिंग के। खुददार इंसान
लिसन, आई लव यू. आई लव यू टू. लेट्स कैप्चर दिस मोमेंट. यस. सुनो, पाउट मत बनाना. पाउट 10, 9, 8, 7. Come on, Shreya, don't stop. मेरे होठ फट गए और तुम्हें सटकी पड़ी. You are fired. मैंने क्या किया? अपनी ना औकात भूल गया. Blood, करीब worms. गौरवी ऑफिस आई है ना? नहीं आई. अच्छा, नहीं ठीक है. हाँ, थैंक यू, थैंक यू. मुझे कलर काफी अच्छा लगा है एक्चुअली, बट ये आपको थोड़ा फिट करना पड़ेगा. साइड से बड़ा लूज है और स्लीव से भी. वैसे मुझे बहुत पसंद है, बट फाइनल कॉल तो मेरी मंगेतर की होगी. आई अप्रूव इट. वैसे इसका कलर इट्स अ लिटिल डल. Not your type. Just like your so-called fiance. तुम क्या कर रही हो मेरे? तुम्हारी help. तुम्हें बस उसकी history बताना चाहती हूँ, which you don't know about. ये अपने followers बढ़ाने के लिए मेरे साथ pics लेती थी, उन्हें online post करती थी. She's a bloody gold digger. और उसने मुझसे मेरे boyfriend को भी छीन लिया. Please excuse us. रोहित, मैं तुम्हें बस फोन करना चाहती हूँ. मैं तुम्हें इनका शिकार बनते हुए नहीं देख सकती रोहित. I really care for you. Care for me? Really? तब ये केयर कहाँ चली गई थी जब मैंने शादी के लिए प्रपोज किया था? अगर मैं शादी के लिए हाँ कर देती तो तुम मुझसे शादी कर लेते? अरे ऑफ कोर्स करता यार. इतना प्यार करते थे मुझसे? श्रेया, तुम जानती भी नहीं हो मैं तुमसे कितना प्यार करता था. God. अपनी गलतियों की वजह से I lost the love of my life. Hold me. I can't breathe. बस 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 भैया, यहीं रोक दो. Excuse me, वो मुझे अनुज से मिलना था. मैम, फुल नेम प्लीज. एक्चुअली अनुज नाम के यहाँ बहुत से एम्प्लॉयज हैं. अनुज मेहता. ओके, श्योर मैम, लेट मी कनेक्ट यू. मैडम, बिन बोले सब जानता है. अरे, दिल को दिल से बांधता है. कितना भोला सा ये प्यार. क्या? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी. अरे, मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था. मैंने फोन कितने किए. मुझे तुमसे कुछ बताना था. मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था, मगर मौका ही नहीं मिला. मतलब ठीक है सर. मैडम, क्या हुआ? ऑल ओके? 142 रुपए. हाँ? वो ऑटो वाले को देने हैं. ओ, 142 रुपए. वो मैं तुम्हारे पीछे टिफिन लेके भागी ना तो दरवाजा लॉक हो गया, इसलिए. ओ, तभी. और फोन अंदर होगा. हाँ, तभी उठा नहीं रही थी. मैं आ रहा हूँ.
अरे ये लो यार, कीप द चेंज है। तुम्हारे लिए अलग से गाड़ी और ड्राइवर रखना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है, मतलब अगर हम एक एक्स्ट्रा चाबी पड़ोसियों के यहाँ छोड़ देंगे तो भी काम चल जाएगा। पर अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब? बताता हूँ। दादा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? तो फिक्र मत कर, मैं रोहित से बात करता हूँ। अश्मी ने मुझे और श्रेया को देखा और उसने मुझसे शेयर करने की बजाय आपको आके ये बात बताई। इम्पोर्टेंट वो नहीं है, जस्ट टेल मी कि क्या है। सो श्रेया चाहती है मैं अश्मी को छोड़, उसे पैनिक अटैक्स आ रहे, वो चाहती है मैं अश्मी को छोड़ के उसे एक्सेप्ट करूँ। तुम क्या चाहते हो? इसमें छाने वाली क्या बात है, मैं सोच चुका हूँ मैं अश्मी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँ। आई एम रियली सॉरी बट आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी श्रेया से शादी नहीं हुई। अनुज किसका घर है ये? बताता हूँ, पहले ये बताओ कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। आज उस घर का दरवाजा बंद हो गया था ना तुम पे, तो आज ही ये घर का दरवाजा तुम्हारे नाम। ये यहाँ पे ना, ये हम लोग वो बड़ा सा वो टीवी बोलते हैं ना, वो प्रोजेक्टर यहाँ पे लगाएं। आओ ऊपर चलो, मैं तुम्हें बेडरूम दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। बहुत अच्छा है। आओ उस तरफ आओ, मैं तुम्हें ये फूल यहाँ पे, और मैं सोच रहा था बार हम वहाँ बनाएंगे, मतलब पार्टी वगैरह के लिए। मैं नहीं पीऊँगा लेकिन, तो हाँ चले। अब तुम किसी अच्छे से अच्छे डिज़ाइनर को बुला करके इस घर को जितनी अच्छी तरह से सजाना है सजा लेना, मेरे पास टाइम नहीं होगा, मुझे पैसे कमाने होंगे ना। अच्छा ये चेकबुक मैंने मतलब पूरी साइन करके रखी है, इसे तुम संभालो। हेलो हेलो, एक नेटवर्क ठीक नहीं है यहाँ पे। हेलो हेलो, handsome, how are you? Let me check in first, huh? Lunch date with my husband, XOXO. Are you done? No, I just got started. Kya order kiya tumne? Shreya, please, let's just come to the point. Well, listen, I don't know tum jahan se aate ho wahan pe manners kaise hain, lekin where I belong, wahan kisi restaurant mein baithne se pehle order karna zaruri hai. Waiter, hi. मेरे लिए एक avocado toast और इनके लिए special मसाला चाय. Thank you. तुम्हें पता नहीं होगा ना avocado toast होता क्या है? It's enough. मैं तुम्हें प्यार से समझा चुका हूँ, तुमसे request कर चुका हूँ. अब last time कह रहा हूँ, divorce papers पर sign कर दो. Else मुझे दीप्ति के साथ कुछ भी start करना होगा मैं कर लूँ. और तुम्हें किसी के साथ जो भी करना है तुम करो, लेकिन मैं अपनी बहन की लाइफ तुम्हारे सेल्फिश मोटिव के लिए बर्बाद नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें करनी। एंजॉय। डिवोर्स पेपर्स पर साइन करो। एंड द टैब इज ऑन मी। ए, कम बैक एंड टेक योर स्टूपिड मसाला चाय। आज भी आपके साथ आपके हस्बैंड नहीं आए? वो डॉक्टर, वो थोड़े बिजी है आजकल। तो कोई और तो होगा ना घर पे?
अब डिजीनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ऐसे में यू कांट बी अलोन. यहाँ देखिए. कहाँ? ये आपका बच्चा है. कहाँ? यहाँ देखिए. कहाँ? अनुज ये रहा. कहाँ है यार? अरे ये देखिए ना. हाँ. यहाँ पे. हाँ बढ़िया डॉक्टर साहब. चलो ये तो अच्छा हो गया. अब मुझे कहना कोई मतलब खास ध्यान रखना है तो मुझे प्लीज कहिएगा, तो मैं उस हिसाब से करूँगा. वो आपके वाइफ को बता चुके हैं. नहीं नहीं मुझे बताइए ना, ये घर जाके काम करने लगेगी. अगर आराम करने की कोई बात हो तो मुझे बताइए, मैं आराम करवाऊंगा इनसे. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. पका ना? जी जी. आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? नहीं. डरिएगा मत इनसे. अनुज घर चल के बात करते हैं ना. अब बात करेंगे ना, घर चल के बात करेंगे. लेकिन अभी आई नीड टू नो, ऐसी कोई खास बात नहीं है ना मतलब. देखिए मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं कभी किसी से ये कहूंगी, लेकिन मिस्टर अनुज जी आपको स्पेशल में बस यही करना है. हाँ. कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना आप इन्हें स्ट्रेस देंगे और बच्चे के लिए वो ठीक नहीं होगा. बाकी सब नॉर्मल है, रिलैक्स. मैं उठा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ. अरे ठीक हो? कैसे ठीक हो? ठीक से उठा भी नहीं जा रहा है. ठीक हूँ कहती है. एक मिनट. क्या? एक मिनट रुको रुको रुको. हाँ क्या ऐसे क्यों कर रही हो? सर्दी हुई है क्या? नहीं. आओ डॉक्टर को दिखा देते. आ रहे तो चेकअप करवा लेते ना पूरा यार. ये लो क्लीन कर लो. आई नो इट्स वेरी ऑकवर्ड कि मैं भी तुम्हारे सामने यहाँ पे ऐसे बैठी हूँ. विपासना में 10 दिन का कोर्स करने के बाद आई फाइनली गॉट माय रियलिटी चेक. फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आई हैव टू मेक पीस विद माय पास्ट मिस्टेक्स. आई नो कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, बट आई नो यू हैव द मोस्ट प्योरेस्ट हार्ट. आई होप तुम मुझे माफ कर दो. I won't take much of your time now. I should leave. एक मिनट. टी कॉफी कुछ? Next time. हाँ श्रेया. क्या हो गया जीजू, आप इतने गुस्से में क्यों? वो मेरी बहन है, कोई प्रोजेक्ट नहीं. आज एक पकड़ा कल छोड़ दिया, कल नया पकड़ा. मुझे लगा कि रक्षाबंधन वाले दिन तुम श्रेया के साथ सॉर्ट आउट करने वाले थे, लेकिन नहीं, तुम अपने अफेयर को इतना सीरियसली ले रहे हो कि तुम्हारे लिए श्रेया मैटर ही नहीं करती. ना कोई अफेयर नहीं. शादी से पहले तुम उस लड़की को नहीं जानते थे, उसे पसंद नहीं करते थे, उसका मैसेज आते थे, तुम लोग मिलते नहीं थे, और आज तुम श्रेया को मुंह पे बोल के आए हो कि जो होना हो, लेकिन तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हो. क्या कर रहे हो जीजू, लोग देख रहे हैं, कहीं चल के तरीके से बात कर लेते हैं. क्यों क्यों क्यों? सबके सामने सच सुनने में शर्म आ रही है, करने में शर्म नहीं आती. श्रेया ने बताया आपको कि वो कितने लड़कों से मिल रही है? अनिकेत. एक नहीं, 2-3-4-5 न जाने कितने अफेयर चल रहे हैं उसके. श्रेया ऐसा कभी नहीं कर सकती. मैं जानता हूं और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, तुम उसे डिवोर्स देना चाह रहे हो और ये सही नहीं है. जाके उससे माफी मांगो वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम गौरवी के भाई हो. What? अरे हनी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. बर्थडे के बाद अभी याद आई तुझे अपनी ताई की? क्या हुआ? ऑल ओके? आप ही ने कहा था ना मुझे, जाके श्रेया से बात कर. जाके बात की, समझाया, मिन्नतें की उससे कि हमें शादी को एक मौका और देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देना चाहती. ना दे, डिवोर्स दे दे. ये पेपर्स लेके गया था उसके पास डिवोर्स के, लेकिन उस मैडम ने अपनी क्लीन इमेज बनाई और अपने भाई को इंस्टिगेट करके लगा दिया मेरे पीछे. अब भाई साहब पब्लिकली झाड़ रहे हैं मुझे. ऋषि ने? नहीं, वो तो पिछली बार थे ना, इस बार अनुज भाई साहब खुद आए थे और क्या कह के गए पता है? धमका के गए कि रिश्तेदारी खत्म कर देंगे. All the siblings have lost it. Honey, ताई,
मुझे मत समझाइए प्लीज. मुझे नहीं जानना कि कर्मा कर्स क्या चाहते हैं, मेहतास क्या चाहते हैं. अब मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं. बोल देना अपने हस्बैंड को.